देखने वालों को मेजबीन लाउंज में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि जुमेरात की रात है और मेजबीन लाउंज का आगाज़ हो चुका है। अकेले नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना सही टाइम मिलता है बात करने के लिए। उसके बाद जो ये खैबर मेल शुरू होती है तो बस फिर रुकने का नाम नहीं लेती। जी जी मैं चांद मियाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा आपको दावत दी जाएगी। अच्छा खैर जी नाल क्या हाल है, भले हो, ठीक हो, तायो मावे हो, चाचियों मुमनेरो फुफेरो, उम्मीद करनी है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो आज मैं शिकायत लासा ता सोबिया नहीं नी। हाँ हाँ बस मारी मर्जी। हाँ हाँ ते सुनाओ। तोबा तोबा बीबी जी मैं ते ना पूछो। थोड़ी देर हुई ना, थोड़ी देर में पहले आई है ना। ओए लोटी जी जी ये अपने अपने गश्त से थोड़ी देर पहले आई हैं। पूरा खबरनामा इनके पास है। आज क्या स्टोरी है, आज क्या बात है। और हम चाय पियेंगे और आप लोगों से वो गपशप भी करेंगे, आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। आज हमने सोचा प्रोग्राम के आगाज में ही आप लोगों की कॉल्स देना शुरू करें क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम के आगाज से ही कॉल करना शुरू कर देते हैं और एंड तक फिर वो बेचारे जो है ना वो थक जाते हैं कि तो कॉल्स नहीं दे रहे। तो हमने सोचा, हमारे प्रोड्यूसर साहब से हमारी बात हुई कि जी कॉल जितनी भी आएंगी सब कॉल्स अटेंड करेंगे और आप लोगों से गपशप करेंगे। चाय की आवाज़ में से शुरू शुरू की आवाज़ें ना निकालनी चाहिए। दुनिया चांद सितारों से भी आगे निकल गई है, आपको अभी तक चाय पीने की तमीज नहीं आई। बीबी जी मैं पहले पीनी भी नहीं सी ना है? कैसे पीनी हुई है सा? हाँ हाँ मैं पीनी भी नहीं सी ना। हाँ तो आवाज ज्यादा इसलिए भी नहीं सी, और आवाज थोड़ी इसलिए। हम चाय पी रहे हैं क्योंकि चाय का टाइम होता है जब आप खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है मशरकी घरों में तो यही होता है कि खाने के बाद या कावा या जो है वो चाय वो जरूरी होती है और ये आदत भी बन जाती है। ये चीज़ें वैसे ही आपको खुशी देती हैं और अगर छोटी छोटी बातों से आप खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाया करें। मतलब खुशी को बड़ी चीज़ों के लिए कैद करके ना रखें, जो छोटी छोटी मिल रही हैं उसी से खुश होकर अपनी ज़िंदगी को जो है भरपूर तरीके से इंजॉय करें क्योंकि जो आज का दिन निकल गया फिर ये दोबारा नहीं आ गया, बस ये गया, अब नया दिन आएगा, पता नहीं अपने साथ क्या लेके आएगा। पहली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, हमें किसने कॉल की है, कहाँ से? तनवीर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। जी जी तनवीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आवाज़ ऊंची करो। चांद मियां जी आवाज ऊंची करने नाव तकने पे चाय शाह पीने पे डरा दिया उसने आपको एक मिनट में। नहीं हाफिज साहब को कह रहे थे वो। अच्छा अच्छा जी 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 हाफिज साहब को कह रहे। मैं समझा जी मुझे क्या रहे। बात करें जी। सुनाओ जी ठीक हो, खैरियत है? चांद मियां ठीक है जी, शुक्र शुक्र से ठीक है जी, शुक्र है। रात पाक में अपने सुनाओ खैर करिए थे? शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर हो कहा रहे हो जी? कारियां जी ना इंतजार सब अच्छे हो तो कोई गपशप लाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, अपने खर्चे थे और अपने कार रहो जी। बहुत मेहरबानी ना, बस कोई माइया थोड़ा जी सुनाई से टाइम थोड़ा जा मिले थे कोई। अल्लाह अल्लाह बिल्कुल सुना सी जी सुनाया नाले का चाय को मूंगफली चली ना दो राना जी ठंडक ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मूंगफली भी आ गई, गाजरे भी आ गई, माल्टे भी, लेकिन सर्दी पता नहीं कहाँ रह गई है जी। अभी ठंडक भी शुरू हो गई है जी, ठंडक भी तो आता ऐसा बिल्कुल आ रही है जी, समझ ली अंदर नहीं पता लगा। बिल्कुल अंदर नहीं पता लगा। जरूर जी आपको माइये भी सुनाएंगे, खूबसूरत गीत भी सुनाएंगे और आज के प्रोग्राम में हम नदीम साहब के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जी। चले आप पुराने गाने सुनने भी आप बड़े अच्छा है, आपका प्रोग्राम होता है वो गाने पुराने लगाते हैं ना वो भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया पसंदीदगी का और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते रहे जी। चले थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। थैंक यू सर। और जी तनवीर साहब थे, पहली कॉल उनकी लगी, इस्लामाबाद से ही थे, करीब था ना इस्लामाबाद तो जल्दी कॉल लगी। तो चांदनिया आज के दौरे की जो है वो तफसीलात बयान करें। हला? हाँ जी हला? ये जो आपने 6 घंटे घर से बाहर गुजारे हैं, इन 6 घंटों में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी जो यार ना पूछो तो रिपोर्ट रिपोर्ट सब मुझे पेश करें। इतना अल्लाह माफी अल्लाह माफी, मैं तो कदे कदे सोच नहीं है कदे कदे मैं राजधानी घर भी गई सी। अच्छा तो वो पीर मरुल्ला नहीं, पीर मरुल्ला हाँ उस कोल गई सी बाजी यासमीन। हाँ तो मैं तकिया ना तो मैं वो बाजी यासमीन के हुई गया
भाई जान तो बहुत अच्छे हैं, उनकी हर बात मानते हैं, कितना उनकी हेल्प करते हैं। नाल मासी मीरा भी हाय लोटी लोटी मैं है मासी मीरा ते बाजे यास्मीन एक उधर जुलेमा है मैं भी पीछे पीछे गई। चांदनी आज सुरमा बड़ा खिंच के लगाया है आपने। हला जी अभी मैंने गौर किया यहाँ यहाँ तक जो है नहीं ना वो है ना तुसा तो गौर नहीं करने हो। हाँ आज मैंने देखा आज हाँ हाँ तुसा गौर करने ही नहीं हो। हाँ 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 मिकी सारी आनिया मैं है आला चलो खैर है कोई नहीं गौर नहीं करने तो लो मैं है आसान राज होने ही कोई ना ता आने है सुरमा बाना चाहिए ना नजर नहीं लगनी। हाँ चश्मे बहुत दूर हाँ ता उन्होंने गए तो बात है बाजी यास्मीन की खैर मैं तो अपने लुकी दिया है ते मैं गल्ला सारियां सुनिया सह गई है ना परे तो मैं सीधी हुई है मैं है पीर साहब क्या आले बाले हो सह तकिया ने ना आए ये कौन है? है क्या करते हैं ये कौन ये पीर साहब जो आप बता रहे हैं तो तुसा क्यों पूछने हो? नहीं मैं वैसे ही पूछ रही हूं। नहीं नहीं मैं वैसे ही पूछ रही हूं। खबरदार ओहो खबरदार जो तुसा पूछे मैं उनका शोभा पूछ रही हूं किस शोभे में काम करते हैं उद्वीज करने। बस मैं एक गल आखी तो एक रंग जुले तो एक अच्छा है। ओहो। मैं ते थुआ नी नहीं हाँ 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 मैं है दसो मैं है ये तुसा के लोका की मैं पट्टियां पढ़ाने के माड़े को जिन ने ते जिन्ना को जड़ा गैब ने इलम आ मैं क्या खबरदार उन्हें को गैब ने इलम थे ही कोई नहीं हैं सही तो दसो के बाजी के आने से आए लड़ी 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 तेवीस करोड़ के ऐसे है मिकी मिया पैसे नहीं दे। अच्छा हाँ, और कितने पैसे चाहिए भाई? माजी मीरा की तक हो ना हैं आ है माड़ा पुत्र जड़ाया माड़ी नू ना भी गया हाय लोटी 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 हैं मैं आई ना बीबी जी मैं हे आला तो मैं क्या खबरदार आइंदा वो आया तो मैं क्या मारी ना दसी कि चांदनी और आए से अच्छा। मैं सीधी गई ना पहले तो मैं गई बाजी यास्मीन ने कहा मैं है बाजी हेलो बाजी तू याद है हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम बहुत डूंगे को बैठे हो जी आप चांदनिया क्या हाल है ठीक ठाक है कोई क्या गल करने है बहुत दूर हो ओ बिस्मिल्लाह करा और ठीक है वो लेकिन तुसा कोरे बहु डूंगी जाई बैठे हो तो डूंगी जाई बैठे हैं तो कोई टियों गल करने जा कोई टा सो कोई टा बलुचिस्तान आला आराम 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 आला आला ओ और सुनाओ ठीक हो से ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक सो सुनाओ ठीक ठाक प्रोग्राम सुन का बड़ा जबरदस्त चल रहा बड़ी मेहरबानी थे ए काल को तू खड़काई ने ए कोई टा सो खड़काई है कोई टा से क्या बात है माशाल्लाह 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 पिंडी वाली जुबान बोल रहे हो ना बड़ी मिठी लग रही है साकी। ओ बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा छो खैरी नाल आप क्वेटा में क्या कर रहे हैं? हां क्वेटा में मैं पुलिस ऑफिसर हूं सरकारी मुलाजिम हूं। अच्छा 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 ठीक 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 तो वहां तो अब सख्त सर्दी पड़ रही होगी बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ रही है हीटर चले हुए हैं और काफी अर्सा हो गया रजाइयां यूज हो रही हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता होगा सारा दिन तो आप वहाँ मतलब बलोची बराहवी जुबाने पश्तो सुनते हैं ऐसे में जब आप मेजबीन लाउंज में अपनी जुबान सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब भी फॉरन कॉल कर ली बहुत मीठा लगता है बहुत मीठा लगता है ऐसा बार बार कोशिश कर रहे हैं कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं नंबर लग जाए मगर दूसरा तीसरा हफ्ता हो गया नंबर लग रहा नहीं बिल्कुल। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि आपने फोन किया और आपसे हमारी बात हुई है। चांदमिया से कुछ और बात करेंगे खुश रहो आबाद रहो। चांदमिया चांदमिया फरमाइश है बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कोई अच्छा जहाज माइया कोई सुना दो पिंडी पिंडी जुबान ना सुना दो कोई माइया अच्छा जा हमजा और यूसुफ मारे बड़े बेटे आते ठीक है सर ठीक है बिल्कुल सनासा तुसा फरमाइश कर सो ता सा माइया ना सनासा ये हो ही नहीं सकना था बिल्कुल हां हां बहुत शुक्रिया जी और खुश रहो आबाद रहो अपने खर्चे ते अपने कार रहो। कार किधर रहो बेचारा नौकरी कर रहे हो कोयटा में उन्होंने कहा सरकारी में आपके कान काम नहीं करते ना हां जी आपकी बाकी जो यास्मीन बाजी की कहानी थी बाद में बाजी की तो मैं है बाजी तुसने मियां कितने चाहिए हाँ जी हाँ बस इन मैं इस तरह मैं ना करो हाँ हाँ
बेचारे कितने मखे और ये जो बिला वजह पैसों के लिए बैठे हुए लोग हैं ना चांदनी, उन्होंने तो कारोबार बनाया हुआ है। हाँ ना, हाँ जी बैठे, मैं आ गया ना, मैं गया, ये तो तुसा अपना, मैं गया ये लोगों की मैं लुटने पे हो। हाँ जी, तो ये मैं बाद में जा सकता। हाँ जी बिल्कुल, आप उधर कुधर गए कहाँ रे? हला में कॉल्स आई ना उनकी फरमाइश पे, हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम था, हमने कहा था कि थोड़ी देर से टप्पे या माई गाएंगे,
लेकिन आप लोगों की कॉल जाते साथ ही तो फिर जान मियां फरमाइश हां जाहिर है जी वो फरमाइश करो फिर असा पूरी ना करिए ये तो हो ही नहीं सकता कैसे हो ही नहीं सकता ते बाजी अस्मीर और तो तौबा तौबा की थी तौबा तौबा की थी मैं जे तुसा के आया सा मैं यहां फोन करयो हां जी नहीं जो नहीं रह गीता ने हैं आखिरकार जाके तो मैं पगड़ी हाय हाय हां मैं यहां बाजी ये तुसा कदू तो इत वीजा करने हो हाँ जी और कितने पैसे दे चुकी हूँ देखे मैं ये पैसे तोबा 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 मैं तो दीवी जी मैं इतनी तोबा की थी मैं इतनी तोबा की थी ना अच्छा हाँ फिर आने है चाह मैं क्या खबरदार है तो बाद में चाय ना पिया हाँ 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 उसकी चंगी गलां सुनाइया सुनाई सुनाई मैं क्या उठ तो मैं क्या मियाँ गुल मंग माफी ना कर जान दिया क्या ना कर अच्छा। हाँ हाँ फिर उठे ना उठे बीबी जी माफिया तलाफिया मंगिया ने उधर भी तकोन माड़े उधर भी तकोन मैं इस तरह कीता मैं हाँ माफ करी छोड़ रोने पे जाहिर है अल्लाह की था कि उन्हें उन्हें की माफ करी सटिया अच्छा चांदनी मुझे ये समझ नहीं आती पहले कॉल लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी कौन और कहाँ से मैं अरीबा हूँ अरीबा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ अरीबा अरीबा जी अरीबा कैसी हैं आप खैरियत से हैं ठीक अल्लाह का शुक्र आज तो इस्लामाबाद पिंडी जो है कॉल्स आ रही हैं हाँ जी जी चांदनिया नाल गल कराओ जी जी चांदनिया आपकी बात सुन रहे जी क्या हाल है चांदनिया ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी सुनाओ तुसा ठीक हो मैं भी ठीक अपनी मामा से बात करवाए ना अच्छा रुके दो मिनट करे जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक आप सुनाएं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैर खैरियत से प्रोग्राम देख रही हैं हाँ जी मैं तो आज मुराद को देखती हूँ जी जी बहुत शुक्रिया चांदमिया से बात करें चांदमिया बात करें जी जी अच्छो खैर नाल हाँ जी ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी सुनाओ से ठीक ने हाँ जी ठीक सुनाओ ना कोई दूसरा माइये आला आला अभी सुनाते हैं जी बिल्कुल 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 सुनाते हैं बहुत शुक्रिया सुन समय माई जाना सुनाते हो ही नहीं सकना हां तो ख्याल करो बार हां ख्याल करो मैं बार जी जी अरीबा कौन बात कर रही है अभी अरीबा बात कर रही है मैं अली बात कर कौन बात कर रही अरीबा का भाई अरीबा का भाई क्या नाम है बच्चे आपका मोहम्मद अली मोहम्मद अली वाह मोहम्मद अली कैसे हैं आप खैरियत से जी जी ठीक आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं चांदमिया से कोई आप कुछ सुना दे ना हमें कुछ सुनाए चांदमिया को कोई माई आप भी सुना दे हाँ सटो ना मैदान है स्टेशने दी चांदनी दी साहब बंद ही करी गया वो इतना तू शर्माना है हाँ चिट्टे चने दी चांदनी हाँ तो बस खत्म चले अगली दफा जब मोहम्मद अली कॉल करेंगे हाँ। ना तो फिर हमें बगैर हंसे हाँ ला हाँ याद करी था अच्छी बिल्कुल जी हाँ। और अभी ब्रेक तो हमारे करीब करीब नहीं है ना है हम ब्रेक लेते हैं जी छोटा सा वक्फा लेंगे वक्फे से वापस आएंगे फिर आपको खूबसूरत सा फिल्मी गीत भी सुनाएंगे आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे हमारे साथ रहिएगा बताते हैं कि इस फिल्म को करने के बाद मैं जब फिल्म लगी तो सुपर डुपर हिट हो गई थी फिल्म तो उन्होंने कहा कि मैं जाके अपने कमरे में जाके चादर ओढ़ के सो गया कि ये लोग वैसे ही ये बात बना रहे हैं मेरा दिल खुश करने के लिए कि आपकी फिल्म में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है असल में वो गाना गाने के लिए आए थे और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी मुखड़ा फिल्म में और इसके अलावा भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने गाया लेकिन मुखड़ा फिल्म का जो गीत है वो इन्होंने अपनी ही आवाज़ में जो है वो गाना गाया था तो अच्छा फिर यास्मीन बाजी का हो गया मसला हल आपको क्या जरूरत थी उनके मियाँ के सामने वो मैं बिल्कुल ठीक ही था बुरी बात क्या क्या बुरी बात है क्या बुरी बात है
एक बंदे नु आप उनको अकेले में समझाते ना, आप उनके सामने वो थोड़ा सा एंबैरसिंग हो जाता है। ना ना ना, जड़ा मजा उन्होंने सामने आ ना समझाने च, मतलब आप मजे ले रहे थे वहां वो अकेले च नहीं। हां हां अकेले समझा रहे, मतलब मैं आप उसकी, आप तो चाह रही थी कि वहां पे लड़ाई हो जाए। हां हां बाद च फिर उन्होंने इतनी मिन्नता की था है मैं मावराने से है अहचान नहीं आता है हलवा बनाओ। मैं है घर से बात है, मामा जी ने तो यही कहना था, सारे बैठे से ना मैं है नहीं, मैं हलवा चबाना खानी। अच्छा ना जा मैं, यकीन तो नहीं आता मुझे, लेकिन चले कि पका हुआ हलवा छोड़ दें आप। नहीं नहीं मैं गुस्से से। अच्छा, हाँ हाँ मैं है चलो खैर है कोई मसला नहीं, मैं उधार रहेगी। उठू निकले बीबी जी ते सीधी तीर गई मासी मीरा ने कहा उधर आग लगाने। मैं अच्छा मैं आग लगाने, चांद मियाँ कहते हैं जिसकी इसलाह करना चाहते हैं उसको अकेले में समझाएं। अकेले जो मैं जिला तकिया थे उसने नूह भी बैठी आए मैं है और मैं है और मजा आसी, और मजा आसी नूह भी बैठी पुत्र भी बैठा है फिर बस मैं मिली मैं शमीम क्या हाल है। शमीम बोली अच्छा चांदनी इतनी प्यार नाल बोली माशाल्लाह, तो को ना पराई थी है ना इतनी प्यार नाल बोली। मैं शमीम मैं ससु को पूछया कौन है, मैं कुछ गए से हैं ये हसरा तक किया ना माड़े दर मा शमी ना हाय 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 लोटी लोटी। मैं क्या और सुना सलीम हो तू कुत्ता कुत्ता गई। हाँ हाँ मैं है इतने गुस्से नाल ना तको। हाँ 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 पुत्र भी उन्होंने बोलिया था आना चांद मियां क्या होया। मैं कि मैं आई हूँ आग लगाने अभी पता चल जाएगा। हाँ मैं है मैं तो पाता नहीं देखो ना चांद मियां बच्चों के सामने वालदा का नहीं नहीं मैं तो समझाया उन्हें कि मैं तो मासी मीरा की समझाया। मैं मासी को था गई से दसो ना मैं है। अच्छा हाँ मैं है अपनी जबानी दसो ताकि इन्हें इन्हें की फिर माड़े पर गुस्सा ना आवे क्या हुआ नूरानी। हाँ फिर है तब फिर उठे। अच्छा हाँ नहीं मैं कुत्ते गई है मैं है कुत्ते गई है हैं कुत्ता कुत्ता गई है। हाँ तुसा जड़िया गल्ला करी ता आयो ना है मैं किड़िया गल्ला की थी मासी सीधे हुई गए। हाँ हाँ सीधा इनकारी हो गई। हाँ हाँ मैं है गल्ला तुसा किड़िया की थी दसा आया। हाँ मैं है सोची की नो दसा फिर मैं दसिया मैं तो फिर ना शर्मानी मैं है तुसा गए से हो गया लखाने है। हाँ हाँ कि माड़ा पुत्र जड़ाया था वो माड़ी नू नहीं सुनना ये गल है। आए लोटी बीबी जी जो दी गल पे आखिरी तो बंद मासी मीरा या खलती सी तो या बेई। हाँ मैं यह सुनाओ और दसा बस चुप। शमी माने चांदनी हाँ क्या आने हो तुसा। मैं है मैं ठीक हाँ फिर उधर से भी निकल आई होंगी चाय भी नहीं पी होगी। हाँ नहीं नहीं उठा तो फिर चाह पीती। हाँ फिर माफियाँ तलाफियाँ हुई हैं फिर पुत्र उन्होंने उठाया है बे तुसा जरा भी नहीं सोचा माड़े बारे। मैं हैं ताड़े बारे ही तो सोच रहे बे। हाँ हाँ सोचा नहीं जरा। हाँ सही बात है। तो बड़ा जी फिर इतनी शर्मिंदा हुई मैं है मासी ना करो। हाँ ये तुसा नहीं नू नहीं एक लिहाज से तो आपने अच्छा किया क्योंकि ऐसी जगह पर पैसे खर्च करके और ये सारे आपको धोखा देने के लिए ये लोग बैठे होते हैं। और मुझे बड़ी हैरत इस बात पे होती है कि ये पीरों फकीरों के पास ज्यादातर खवातीन ही जाती हैं उनके ही मसाइल नहीं हल होते। मैंने मर्द हजरात को बहुत कम देखा है कि वो बेचारे जो है ना हालांकि मसले उनके लिए होते हैं बेगमात उन्हीं से लड़ती हैं माँ भी उनसे नाराज होती है बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे भाइयों के होते हैं लेकिन खवातीन पता नहीं क्यों मजलूम बनी फिरती हैं। एनीवेज जी जैसे कि मैंने आप एक साहब की बात करते हैं कम से कम 250-300 फिल्मों में इन्होंने काम किया लेकिन इन लोगों से ये इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि ये मेहनत करने वाले लोग थे अपने काम से मोहब्बत करने वाले लोग थे। आज के दौर में भी हम मुख्तलिफ सेट्स पर जाते हैं वहाँ पर कहीं ड्रामा शूट हो रहा हो या कोई फिल्म शूट हो रही होती है तो मैंने देखा है कि अभी एक्टर बनने से पहले ही वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं उनका बात करने का अंदाज़ उनके तीन चार आगे पीछे जो मुलाजिम फिर रहे होते हैं कोई उनके बाल कोई उनका बैग कोई चीज़ें ये जो एक एटीट्यूड है ये इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं था। इनसे आज भी जब आप मिलते हैं अपने दौर के ये इतने बड़े सुपरस्टार हैं लेकिन जब भी आप इनसे मिलते हैं आपको एक ख़ास किस्म की वाइब्स एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन लोगों से। अब इन जैसे लोग दोबारा नहीं पैदा हो सकते ना ही बन सकते हैं इन जैसे उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने काम को इबादत समझ के किया
और जो अपने काम से मोहब्बत करता है वो इसी तरह हमेशा ज़िंदा रहता है, चाहे वो दुनिया में हो या दुनिया से चले भी जाएं, वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और इनका जो नाम है बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना कि इन्होंने बताया कि जो पहली इनकी फ़िल्म थी चकोरी, तो उस वक्त इनका ये नाम चेंज किया गया, और जो एहतशाम साहब की मिसेज थी उन्होंने कहा कि नदीम ठीक है, और बाद में वो इनकी मदर इन लॉ भी थी, यानी कि उनकी बेटी से फिर इनका इनका रिश्ता हो गया, शादी हो गई माशाल्लाह से, और जिनसे इनके दो बेटे भी हैं और खुशोखुर्रम माशाल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि अमूमन नाम जो है वो माँ बाप रखते हैं, लेकिन फिल्मी करियर का और एक नई ज़िंदगी जो मिली वहाँ पर उनकी मदर इन लॉ ने उनका नाम रखा। तो ऐसी खूबसूरत खूबसूरत वाक़ात से इनके ज़िंदगी या इनके यादें जो हैं वो भरपूर होती हैं। हम लोग जो स्क्रीन के लोग हैं या चाहे हम शोबिज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे होते हैं, इनकी वो अच्छाइयाँ अपने अंदर डालने की कोशिश करनी चाहिए। इन जैसा बन तो नहीं सकते लेकिन उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अभी एक्टर बने नहीं हैं और आपके जो है वो एक्शन बता रहे होते हैं कि क्या नोशंस होते हैं उनके। एनीवेज चांदनी की जानिब आएंगे क्योंकि कॉल है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिएगा स्वीटी, टेलीविजन की आवाज बंद कर ले, फिर आपकी बात हमसे हो सकेगी। हाँ, फिर असनल गप मारो। हेलो जी जी चले गए तक है ना। ये तुसा की डोर बंद करें, तुसा की 100 दफा समझाया कि जदू तुसा ना टेलीफोन मिले ना तो रेडियो ने आवाज बंद कराया करो। रेडियो की कहेंगे उनको समझ नहीं आएगी, आप टेलीविजन ही बताएं। हाँ टेलीविजन, हाँ बिल्कुल, हाँ उसकी आवाज बंद कराया करो, फिर असा मारया करो गप शप है जी, क्योंकि आसान तो तुसान से बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इतनी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है, आपको पता है लाइन बिजी होती है, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, फिर आपकी कॉल मिल जाए तो फौरन से पहले आप टेलीविजन का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया करें। और अब हम दूसरे गीत की तरफ जाते हैं, जिस तरह के आपने लोगों ने पैकेज में सुना दिल लगी जो थी वो नदीम बेग साहब की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और उसी से एक बहुत ही खूबसूरत गीत है वो आपको सुनाते हैं। वाह जी वाह जी वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शायरी, क्या बाबा गोदल ठीक आने से के? हाँ हाँ वो आने से, वो चान मिया हाँ वो गुजरा हुआ जमाना, वो आता नहीं दोबारा, वो मैं है पता नहीं क्या हने उसने भी क्या पता होना था। वो भी इतनी अकल की बातें आपसे क्यों कर रही थी हा? इतनी अकल की बातें आपसे क्यों कर रहे थे? वो असल में वो लाइक करने होने से। अच्छा वो समझते आप बहुत समझदार हैं, वो ये समझते। यस यस ऑफ कोर्स, लेकिन आप नहीं थे। यस अच्छा यू वर ओके उस वक्त, यानी उस वेले नहीं था। अच्छा हाँ किस वेले? जो दुबा गोदर जिंदा होने में सो कॉल ले ता। हेलो जी हेलो इतनी मीठी आवाज हो, आपने तो डरा ही दिया था उनको जी। और चांदनी मैं कितनी बार बिल्कुल ठीक ठाक तुसाने ट्राई करी की थी, लेकिन आज कॉल मिली तुसानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसानी जनाब, तुसा इतनी दूरू कॉल असा की खड़काई है जी। माड़ी बची नी अज साल गिरा, छोटी जी बची है माड़ी रा जी जी बताइए जी जी माशाल्लाह हीरा इब्राहिम ना है सुना क्या ने फरमा क्या फरमाइश है क्या आने हो? अच्छा बच्ची की सालगिरह है जी 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 नाम ला, उसका ला, नाम बताइए ना। ना क्या हीरा इब्राहिम के नाया ने इरम हीरा हीरा। अच्छा और कितने बरसों की हो गई माशाल्लाह से? माशाल्लाह ये 6 बरस की होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे उनको कर देना। हैप्पी बर्थडे टू हीरा टा 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 टा, हैप्पी बर्थडे टू हीरा टा 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 टा।
सर बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हेरा को सेहत वाली जिंदगी दे, कामयाबियां दे और आपकी आंखों की ठंडक बनाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, अपने कार रहो, माशाल्लाह तो कुछ है सर। ये टाटा टा क्या होता है चांदनी? ये टाटा क्या, अमरीका से आई हैं आप? बीबी जी याद है मैं तो सन बलोर खेलने वाली थी। बात ना पलटाएं आप इधर उधर। मैं जीती की छिने वाली थी। माँ ये सुना दें, हीरा की बर्थडे भी है ना, इसी खुशी में माँ ये सुना दें। हीरा तू घबराई ना। मैं हाँ हाँ, तेरी बर्थडे ते माशाल्लाह 6 साल नहीं हुई जी। माशाल्लाह जी 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 बिल्कुल। ते अल्लाह खुशियां देवे। माँ ये सुन तो नहीं, पहाड़े सुना दे। एक दो न दो न दो दो ने चार। माँ ये न गाए तो पड़ेगी मार। रुते
कालर चोले दी, कोई कालर चोले दी, कोई कालर चोले दी, कोई कालर चोले दी। मुद्दतां गुजर गया, मुद्दतां गुजर गया, रात कने ढोले दी। मुद्दतां गुजर गया, रात कने ढोले दी। सारे गामा पादा नी सा सानी दा पामा गारे सा आ आ आ तो आपने सात सुरों की भी जो है झलक करा दी। क्या बात है चांदनिया, क्या बात है, जबरदस्त मजा आ गया रियली। थैंक यू बीबी जी, सुसाना बड़ा बड़ा शुक्रिया। बिल्कुल जी, आप लोगों को बताते चलें, जिन लोगों से प्रोग्राम का कुछ हिस्सा निकल जाता है या दोबारा भी देखना चाहते हैं, तो आपको बताती चलूं कि कल यानी कि दोपहर कह सकते हैं उसको, या जो ब्रंच टाइम होता है मतलब सुबह के बाद 11:30 बजे रिपीट होता है, और फिर शाम को 4:30 बजे। तो रिपीट टाइमिंग्स भी आप अपने पास नोट किया करें। सम टाइम ऐसे होता है कि आप थोड़ा सा फ्री होते हैं और टाइम होता है, तो दोबारा रिपीट में भी जो है आप प्रोग्राम देख सकते हैं और दोबारा से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। और दोबारा देखने का उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मार्जिन होता है जिनकी कॉल्स मिली हुई होती हैं, क्योंकि फिर वो अपनी कॉल्स जो है रिपीट में जब प्रोग्राम देखते हैं तो फिर बाकायदा तौर पर अपनी बातचीत और अपनी सारी गुफ्तगुशनी जो होती है वो उसमें सुन लेते हैं। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप टेलीफोन की आवाज़ जब बात करें तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप आता है, उसकी वजह से फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है और हमें उस चीज़ का फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये रिपीट टाइमिंग है 11:30 बजे और 4:30 बजे, ये अपने पास आप नोट रखिएगा। जी चांदनिया, और कौन रह गया था? नहीं मासी मीरा नहीं था जे अल्लाह। अच्छा मिगी ये दसो, ये मासी मीरा ने जड़ी नू है, हाँ जी, खैर इसने तो मैं नहीं पता, उन्हें माफियां तलाफियां मंगियां तो बाद इचो एहसान जताने से माड़े पर आने से। चांद मियाँ तुखी पता थिया या को जी मैं नहीं जी, मैं नहीं पता। आखिर ये माड़ी जड़ी नू है, इसने रिश्ता तड़ी बीबी जी किता सा। मैं चलो तो मैं जुली कार बीबी जी को पूछसा कि तुसा की किस आया सा कि तुसा अपने मासी मीरा पुत्र आस्ते तुसा रिश्ता मंगो, तुसा जवाबदारियां चाहिए सी, कोई जवाबदारियां तोंच बंद करें तो मैं नहीं नहीं तुसा ने नकल बाकायदा उना उता लाई ने मासी मीरा आने से है चानभिया तड़ी बीबी जी आने से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिश्ता दे दे, मैं हूं ना, मैं हूं। तो उसकी नो में या उसकी बहू में कोई बुराई तो नहीं है, तो बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत अच्छी लड़की है। नहीं तो अच्छी लड़की, अल्लाह उसकी अच्छा कर। हाँ। तो सर रिश्ता क्यों मंगया था? नहीं उन्होंने मशवरा मांगा, मैंने तुसा कोले इतना फालतू टाइम भाई, उन्होंने मशवरा मांगा, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बच्ची है। नहीं नहीं तो, तुसा गए से हो, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है? लेकिन ये मुझे याद आ रहा है, हालांकि इतना बड़ा रिश्ता तुसा करवाया था, तुसा की याद। बहुत खूबसूरत गीत है, जिस दिन से देखा है तुमको सनम, फिल्म फिल्म जो है वो अंबर, आइए गाना सुनते हैं। चिट्ठा में कबूतर उडार छोड़िया, डोला तेरे नाज़म नु मार छोड़िया। चिट्ठा में कबूतर उडार छोड़िया, डोला तेरे नाज़म नु मार छोड़िया, डोला तेरे नाज़म नु मार छोड़िया। तेरे पीछे सज्जना में कार छोड़िया, तेरे पीछे सजना में कर छोड़िया, तेरिया जुदाइया मैनु मार छोड़िया, तेरिया जुदाइया मैनु मार छोड़िया।
टमे कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया दिल मेरा गम नल चूर होया दिल मेरा गम नल चूर होया डोला परदेसी मेरा दूर होया डोला परदेसी मेरा दूर होया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया अखियां दा पानी सुक गया ए परदेसी रो रो के मुक गया रे अखियां दा पानी सुक गया ए परदेसी रो रो के मुक गया ए चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया हट्टियां ते विक दई साग चना हट्टियां ते विक दई साग चना की तई मां बर्बाद चना की तई मां बर्बाद चना चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया समुंदरां दे सुक गए ने पानी वि समुंदरां दे सुक गए ने गिले अज तेरे मेरे मुक गए ने गिले अज तेरे मेरे मुक गए ने चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया तेरा रात तक तक अख थकियां तेरा रात तक तक अख थकियां ताने पया देंदियां नी सारी सखियां ताने पया देंदियां नी सारी सखियां चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया तुल गई है जिंदड़िए अट्टियां ते तुल गई है डोली विच बह के सानू भुल गई है डोली विच बह के सानू भुल गई है चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़िया डोला तेरे नाजा मैनू छोड़िया खिंच लिया फटू तेरा दूर होके
खिंच ले फोटो तेरा दूर होके टुर गया माया मजबूर होके टुर गया माया मजबूर होके चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया चिट्टा में कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे ना जमनू मार छोड़िया डोला तेरे ना जमनू मार छोड़िया कबूतर उडार छोड़िया डोला तेरे ना जमनू मार छोड़िया डोला तेरे ना जमनू मार छोड़िया वे मनु मार छोड़िया आज तो चांदनी सारे गिले शिकवे जो है मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए होंगे क्योंकि आज सुनने वालों की फरमाइश बगैर कॉल के ही पूरी कर दी आपने है ना तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त बस असल बीबी जी तको ना असल ने माशाल्लाह प्यारे प्यारे लोग बैठे हाँ जी हैं हाँ तो लाइबा ने फ़ोन को नहीं आया हाँ जी नहीं मैं फोन करसा अच्छा हां ते सोबिया भी आने से फोन करसा ते मैं है चलो ठीक हो गई जी मैं है असन ने तकार मैं है वेलकम हां जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही वेलकम मैं है जिसला मर्जी है शो आने से है जी असा ता आने से असन दावत भी देसा हां ते बीबी जी बना की ना सही सही ते मैं है ठीक हो गई ठीक हो गया नो प्रॉब्लम चांदमिया ने तो आपको इतने ज़बरदस्त माइये सुनाए क्योंकि चांदमिया आपको माइये सुना सकते हैं चांदमिया की आवाज़ इतनी अच्छी है लेकिन मैं आपको अपनी पसंद का एक गीत जो कि शबनम नदीम